उसने या तो नौकरी छोड़ दी या फिर उस नौकरी को उसने छुपा लिया। ऐसे में भी आपकी मेंटेनेंस से आप बिल्कुल बच सकते हो। कि लड़की ने बेशक से आपसे अलगाव ले लिया, अलग लड़की रहती है, सेपरेट रहती है, सेक्शन 9 का आपने नोटिस भी भेज दिया, बुलाने के लिए आपने बात की, उसके बावजूद भी वो नहीं आई, और लड़की अच्छी जगह नौकरी कर रही है, आपकी जो सैलरी है उससे अच्छा वो कमा रही है। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस में या घरेलू हिंसा कानून की हम बात करें, उसमें ज्यादातर मामले देखा जाए तो मेंटेनेंस के होते हैं। मेंटेनेंस के मामलों को अगर हटा दिया जाए तो मेरा मानना है केसेस भी कोर्ट में बहुत कम होंगे। जहां एक और देखा जाए तो जो कोर्ट है हिंदुस्तान के, सभी कोर्ट की दोस्तों बात कर रहा हूं, सभी स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, हर कोर्ट में आप जाएंगे जहां फैमिली कोर्ट बना हुआ है वहां सबसे ज्यादा भीड़ आपको मिलेगी सारे कोर्ट्स के मुकाबले में देखा जाए तो। क्यों होता है ऐसा? दोस्तों हर घर में, हर तीसरे घर में लड़ाई है। लड़ाई होने के बाद और दिक्कत तब हो जाती है जब घर वाले ही सपोर्ट करते हैं लड़की और लड़के को कि आप केस कर दो। उसके बाद मामला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में जाने से पहले लड़की को बताया जाता है कि तू घबरा क्यों रही है, तुझे सारा पैसा तो मेंटेनेंस से मिल जाएगा, मतलब पति पर मेंटेनेंस बन जाएगी या फिर एलिमनी मिल जाएगी तेरे को, तो पैसा तुझे मिलेगा ही, तो घबरा मत, केस कर दे। और जरूरी नहीं कि मेंटेनेंस बन ही जाए, अगर सही वकील साहब मिल गए लड़के को और उसने कुछ पॉइंट्स को पकड़ लिया तो दोस्तों मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा, एलिमनी तो बहुत बात की बात है। डिपेंड करता है केस टू केस, केस किस तरह से लड़ा जा रहा है, एलिमनी में और मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस है, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, समझ जाएंगे मेंटेनेंस कब मिलता है, इंटरिम मेंटेनेंस कब लगता है, और कब साथ में ही एलिमनी की डिमांड आप कर सकते हैं। जहां एक और देखा जाए लड़की अच्छी खासी सैलरी कमा भी रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, अच्छा अर्निंग सोर्स है, उसके बावजूद भी आप पर मेंटेनेंस बन जाती है। और ये भी देखा गया कि बेशक से लड़की कमा रही थी फिर भी मेंटेनेंस बनाया गया। कुछ पॉइंट्स जैसे कि सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आप ये ढूंढिए कि लड़की जब आपसे अलग रह रही है तो अलग रहते हुए क्या उसने दूसरी शादी तो नहीं कर ली, और अगर ऐसे में लड़की ने दूसरी शादी कहीं पर कर ली है तो आपको मेंटेनेंस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसका आपको पता लगाना होगा, एविडेंस जुटाने होंगे और कोर्ट में उनको पेश करना होगा, आपके वकील साहब वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके कोर्ट में पेश कर देंगे। ये तो थी आपकी पहली रेमेडी। दूसरी बात आती है दोस्तों कि लड़की वेल एजुकेटेड है, अच्छी तरह से नौकरी कहीं पर कर सकती है, वो किसी पर डिपेंड रहे ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वो खुद इतनी कैपेबल है कि वो अच्छी खासी सैलरी आपसे भी ज्यादा कमा सकती है अगर कमाना चाहे तो। शादी से पहले बहुत अच्छी नौकरी कर रही थी, शादी के वक्त भी अच्छी नौकरी कर रही थी, शादी के बाद भी कुछ वक्त तक अच्छी खासी नौकरी की, उसकी सैलरी आपसे ज्यादा थी, पर जैसे ही अलग हुई उसने या तो नौकरी छोड़ दी या फिर उस नौकरी को उसने छुपा लिया। ऐसे में भी आपकी मेंटेनेंस से आप बिल्कुल बच सकते हो। तीसरी बात दोस्तों आती है कि लड़की ने बेशक से आपसे अलगाव ले लिया, अलग लड़की रहती है, सेपरेट रहती है, सेक्शन 9 का आपने नोटिस भी भेज दिया, बुलाने के लिए आपने बात की, उसके बावजूद भी वो नहीं आई, और लड़की अच्छी जगह नौकरी कर रही है, आपकी जो सैलरी है उससे अच्छा वो कमा रही है, या फिर उतने पैसे वो कमा लेती है, अच्छे खासे पैसे जितनी उसकी ज़रूरतें हैं उससे ज़्यादा, तो भी आपको मेंटेनेंस देने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, तो भी आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा उस लड़की को। ये था दोस्तों तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में दोस्तों आप आ सकते हो अडल्ट्री में होना। लड़की मान लीजिए अडल्ट्री में है, अडल्ट्री में है मतलब कि आपके साथ में थी तो भी वो अडल्ट्री में थी, अब वो चली गई है अपने घर तो भी अडल्ट्री में किसी के साथ वो रहती है, तो अभी जरूरी नहीं कि शादी कर ली है, नहीं भी शादी की है अडल्ट्री में रहती है, तो ये भी पॉइंट आप ले सकते हो, यहाँ पर भी भरण पोषण से बचा जा सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। भरण पोषण का सिर्फ और सिर्फ ये जो लेडीज अगर किसी भी तरह से इसका डिफेंस लेती हैं, इसकी प्ली लेती हैं, ये सिर्फ इसलिए लेती हैं क्योंकि पैसा तो आपसे मिल ही जाएगा। दोस्तों पैसा मिलने का भी एक सिद्धांत है कि 1/3 ही पैसा वो आपसे ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, कई बार तो 1/4 भी देखा गया है, 1/4 की ही मेंटेनेंस अलाउ हुई, कई बार ज्यादा भी हो जाती है, बट 1/3 का ही अलाउ होता है, 1/3 को आपको मान के चलना पड़ेगा। यह है चौथा पॉइंट। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट में आप इतना समझ लीजिए कि कभी भी आप मान लीजिए कि आपके ऊपर तो पहले से ही मेंटेनेंस बनी हुई है आपके फादर और मदर की, या आपकी सिस्टर के छोटे हैं वो लोग, उनकी मेंटेनेंस पहले से ही बनी हुई है, मतलब कि आपकी फैमिली को पहले ही ऐसा आभास हो गया था कि पंगा कुछ ना कुछ होगा, उन्होंने मेंटेनेंस लगाई और उन्होंने मेंटेनेंस अलाउ करा ली कोर्ट से। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाइफ ही, पत्नी ही मेंटेनेंस अलाउ करा सकती है कोर्ट से, आपके जो फादर मदर है, जो आप पर डिपेंडेंट है, जो डिपेंड है आप पर,
वो लोग भी मेंटेनेंस लगा सकते हैं और आपसे भरण पोषण अपना ले सकते हैं। उन्होंने लगा दिया तो भी आप उस चीज की वजह से भी अपने इस मेंटेनेंस से बच सकते हो जो आपको अपनी वाइफ को देनी है। अब दोस्तों छठा पॉइंट भी आप इसमें समझ लीजिए, कब आप मेंटेनेंस से बच पाएंगे, कब आप भरण पोषण से बच सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद छोटी मोटी कोई भी नोकझोंक हुई, उसके बाद लड़की अपनी मर्जी से कहीं पर खुशी से रह रही है, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, बिल्कुल इंटरेस्ट उसे आप में नहीं है और वो चाहती है अपने आप जिंदगी गुजर बसर करे और वो अपने आप कैपेबल है, मतलब कि अपनी मर्जी से वो लड़की कहीं अलग रहती है, तो ऐसे में भी भरण पोषण आपको देना जरूरी नहीं। यहाँ कोई ऐसा कोई कैप नहीं है कि अब आपको भरण पोषण भरना ही पड़ेगा। बट फिर भी मैंने जैसा आपको शुरू में बताया दोस्तों, हर केस अलग होता है, हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, केस को समझना पड़ता है। बिना केस को समझे ऐसे ही केस पर बात कर लेना, समझा देना, बता देना कोई फायदा नहीं। सब केस अलग तरह से काम करते हैं। आपका भी कोई केस है, किसी तरह से आप पर भी मेंटेनेंस बन गई है, आप उसके लिए अपील में जाना चाहते हो या उसे कम कराना चाहते हो या फिर आप चाहते हैं मेंटेनेंस बने ही ना, कोई भी हमारी एडवाइस चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके सवाल पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर हमसे बात करना तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हो सकता है हम आपको कोई सॉल्यूशन दे सके, कोई रिप्लाई आपको दे सके जिससे आप अपने केस से बाहर निकल सके। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो अपकमिंग वीडियोस आएंगी वो दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।